तो भी गाइस सबसे पहला शॉट है एटीवी का, तो ये चलाएंगे मस्त। तो पहले शॉट में ये चलानी है मुझे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है सेकंड डे ऑफ शूट भाई वाले गाने का, तो फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ। सबसे लेट मैं ही हूँ आज, सारे रेडी हो गए, इवन कुनाली पीयू सब रेडी हो गए, आज सबसे लेट मैं ही हूँ। तो अभी चलते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, बिकॉज हमको आज 3 घंटा दूर जाना है शूट पे। फिलहाल तो अभी नॉर्मल कपड़े यही डाल लिए हैं, बाकी शूट लोकेशन पे जाके वहाँ पे चेंज कर लेंगे कपड़े। तो अभी गाइस आ गए हैं सुबह सुबह रेस्टोरेंट में खाने के लिए, मम्मी भी रेडी हो गई है, पीयूष भी रेडी हो गया, सभी रेडी हो गए, लेकिन मैं सबसे लेट हो गया बिकॉज मैं रात को सोया था, मैं एडिट कर रहा था ना, अभी मुझे नींद आ रही है यार। अब रास्ते में सोऊंगा मैं, 3 घंटे का रास्ता है ना, मस्त सोऊंगा मैं। तो भी सब ने यहाँ पे खाना लिया, क्या बने मम्मी? छोले भटूरे, उपमा और सैंडविच और चाय। तो चलो खाते हैं और फिर निकलते हैं। कितनी दूर जाना है? बहुत दूर जाना है। तो भी गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और देखो कुनाली का दूध, कुनाली यहाँ तो पी नहीं रहा, इसको रूम में जाके पिलाएंगे। भाई मम्मी कुनाली कितनी अच्छे से केयर कर रही है ना, लिटरली। तो भी गाइस एक दिक्कत हो गया है, पीयूष की तबियत थोड़ी खराब हो गया तो वो लेट गया यहाँ पे, देखो जाने से पहले तबियत खराब होगी इसकी। और आज तो हम माइनस टेम्परेचर में जाने वाले हैं, बर्फ में जाने वाले हैं, और पापा जी देखो सारी दवाइयाँ लेके चलते हैं साथ में, सारी दवाइयाँ हर किसी चीज की। तबियत ठीक है तेरी अब? ठीक है क्या? कोई नहीं, गाड़ी में सो जाइयो। तो गाइस गाड़ी में तो बैठ गया हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही है, तो मैं तो सोऊंगा यार। तो सभी आगे गाड़ी में, कुनाली भी आ गया, तो अब चलते हैं मस्त सोते हुए। तो अभी गाइस 1.5 घंटा मैं आराम से सो गया हूँ मस्त, और बाहर का जो व्यू आ रहा है ना, इतना मस्त आ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। 360 शॉट लेते हैं यहाँ पे, वो दिखाता हूँ, बहुत तगड़े आएंगे। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रोहतांग। तो अभी रुके गए इस वॉशरूम वगैरह के लिए, और यहाँ पे तो मस्त पैराग्लाइडिंग हो रही है, दिखाओ। ये देखो यहाँ पे तो मस्त पैराग्लाइडिंग हो रही है गाइज, यहाँ पे ना बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, हम कोई भी नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा शूट है, हमको शूट पे ध्यान देना है। तो गाइज मेरा मन करे चलाने का, तो मैं चलाऊंगा इनोवा, मजा आ रहा है इनोवा चलाने में, इतने मस्त पहाड़ों पे। तो गाइस यहाँ पे होगा हमारा सारा सूट, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे मेकअप हो रहा है हमारा। तो ये मेरा मेकअप तो हो गया है, अब पीयूष की बारी है, तो पीयूष का होगा। अब राजमा चावल खाओगे? राजमा चावल आपका, राजमा चावल कड़ी भी है इसमें। थैंक यू भैया, एक मिनट खा लेंगे ना। गाइस इतनी बर्फीली हवाएं चल रही है ना, क्योंकि चारों तरफ बर्फ है हमारी, अब इसमें हमको शूट करना है बर्फ में। ओ भाई इतनी ठंड में इन्होंने टी शर्ट डलवा दी। रेडी चले, इसके ब्रेक का है ब्रेक। तो भी गाइस सबसे पहला शॉट है एटीवी का, तो ये चलाएंगे मस्त। तो पहले शॉट में ये चलानी है मुझे, कुनाली को बिठा के, और उसके बाद फिर साहिल पीयूष को बिठा के चलाएगा। तो भी डायरेक्टर बता रहे कि हमको क्या किस तरह चलानी, क्या करना, किस तरह शॉट लेना, सब कुछ। तो जल्दी से करते हैं। तो भी गाइस कुनाली और मैं बैठ गए हैं, और हमारा शॉट आने वाला है सामने, वहाँ पे कैमरा देखो गाड़ी के अंदर, वहाँ पे कैमरा है, और मस्त शॉट आएगा। कुनाली कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई मतलब मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, तो अभी पहले तो सीखते हैं किस तरह चलानी है। तो भी गाइस कुनाली और मेरा तो हो गया मस्त, कैसा लगा? मस्त लगा। अब पीयूष की बारी है विद साहिल, साहिल चलाएगा, पीयूष पीछे बैठेगा, मजा आएगा। गाइस यहाँ ना विंटर में आएंगे, विंटर में ना पूरी स्नो होती है, लिटरली पूरी। अभी देखो गर्मियों में ये हाल है यहाँ पे। तो फाइनली पीयूष और साहिल का भी हो चुका है, अब फिलहाल जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे कोई और एक्टिविटी करने के लिए। भाई मेरी गोद में बैठा हुआ था, ये मेरे पैर दबा दिए। तो ये है नेक्स्ट लोकेशन। आपने शूट क्यों करा? मैंने पहले से लिया था ना सूट हेलीकॉप्टर वाले में, इसलिए अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कह रहा है, मैंने पहले स्टार्ट तो कर दिया, वीडियो में रहना पड़ेगा पूरी में। अच्छा आपको आपको पता है ये? हाँ। अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा फिर? छोड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं मेरे को। कौन नहीं छोड़ेंगे? वो कौन है? वो डायरेक्टर। डायरेक्टर 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 कुनाली को उठा के जाना पड़ रहा है, पानी मत गिरना यार कोई। भाई कुनाली तक कैसे गोद में उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी यार ये कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जो इसको बोल रहे हैं। तो अभी इस शॉट में कुनाली और मैं जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट शॉट में पीयूष और साहिल, जैसे एटीपी में कर रहा था ना वैसे ही, बिकॉज कुनाली को मैं अच्छे से पकड़ लूंगा ना, क्योंकि यहाँ से सीधा नीचे जाना। देखो चले चलो बैठो। तो अब नेक्स्ट शॉट में हमको करनी है स्कीइंग, तो स्कीइंग करेंगे अब। तो गाइस फाइनली स्कीइंग भी कर लिया है,
और स्क्रीन कम करिए, गिरा जाता हूँ मैं। जो गिरा हूँ ना मैं, वो म्यूजिक वीडियो में देखना भाई, इतना खतरनाक गिरा हूँ। अरे वाह मैगी, तो भी अपना भुट्टा भी आ गया, भुट्टा खाते। इसमें नींबू लगाया उन्होंने, तभी थोड़ा बहुत खाना पीना खा लिया, मैगी और भुट्टा वगैरह। अब जा रहे हैं नेक्स्ट शॉट के लिए। कुनाली क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ? अरे पैर 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 मत खींच बस। तो यहाँ पूरा टीम कैमरामैन वगैरह सब आ चुके हैं, तो चलो हमारे पास चल के क्यों आ रहे हो? फोटो लेने के लिए। फोटो लेने के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हो? सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेंगे। गाइस पहली बार कोई ऐसे सब्सक्राइबर आए हैं जो कह रहे हैं हमने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं, लेकिन फोटो लेनी है। अब उनको सब्सक्राइबर कैसे बोल रहे हैं? अरे हाँ, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी वीडियो देखते, तो वो हमारे क्या है? व्यूअर्स। जानते हो मुझे क्या? ऐसी ऐसी नाम बताओ। बाय बाय कुनाली। अकेले मत गिर जाओगे तेरा भाई। शूट पे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कुनाली भाई, इतना छोटा है फिर भी। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सीन के लिए, आउटफिट चेंज करने के लिए। यहाँ वाला शूट हो चुका है, जो इतना प्यारा शूट आया ना चारों भाइयों का, बहुत प्यारा है। तो वो आप देखना म्यूजिक वीडियो में। तो अब चलो चलते हैं, आउटफिट चेंज करते हैं, लेकिन इतनी ठंड हो रही है ना। हाँ हाथ अकड़ गया हमारे। मेरे को ना कुनाली से उम्मीद नहीं थी, कुनाली करेगा यार, क्योंकि वॉशरूम ले जा दो। हैं वॉशरूम ले जा दो। सुसु जाने क्या? सुसु अबे गिर गया। अब बहुत बड़ा टास्क है कुनाली को रिवर पार कराना। कुनाली कह रहा मेरे को फेंक दो, मिशन पास सेल बच गई। तो गाइस ये देखो याक, तो याक भी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कुनाली ये पता क्या है? हाँ। इसके रस्सी नाक में क्यों बांधी है? कुनाली इनसे ना, इनसे काम करवाते हैं ये लोग। जा रहा है तू अभी? रहने दे अब, नहीं जाना पड़ेगा। अरे उसके होंठ देख कितने नीले हो गए उसके। कुनाली को गोद में उठाना पड़ता है, आराम से आराम से। साहिल कुनाली को देखो कैसे लेके जा रहा है। तो गाइस अब हमको जाना है इस पत्थर के ऊपर। भाई इतनी ठंड में ये शर्ट में मुझसे शूट करवा रहे हैं। तो गाइस ये पत्थर के ऊपर वाला हमारा लास्ट शॉट है फर्स्ट म्यूजिक वीडियो का। तो एक म्यूजिक वीडियो का शूट कंप्लीट हो चुका है। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है भाई। इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई? गाइस इसकी एज में ना मेरे को खिलौने चाहिए तो खेलना चाहिए होता था। कुनाली अब तो छा गए यार, होठ फट गए। छोड़ दे, आपने बोला था ना कि नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा, कर पाया मैं। हाँ कर दिया कुनाली ने। तो गाइस फाइनली फर्स्ट वीडियो का शूट कंप्लीट हो चुका है, सारे सीन कंप्लीट। अब सेकंड वीडियो की बारी, जो कि हम कल करेंगे। सुबह हम घर जाने ही वाले थे और हम गाड़ी में बैठे थे, लिटरली हमने बाहर देखा, लिटरली यहाँ पर अभी हम रोहतांग में और जून के महीने में स्नोफॉल भाई, कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस अब हम निकल पड़े हैं रोहतांग से मनाली के लिए। एक वीडियो का शूट कंप्लीट हो चुका है, तो हाँ काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये देखो ग्लेशियर, पूरी बर्फ है ये, और ऊपर देखो कितना मस्त वाटरफॉल आ रहा है ऊपर से। तो फाइनली गाइस होटल पहुंच चुके हैं, और देखो पहुंचते ही पीयूष और कुनाली तो लेट गए, मम्मी भी लेट गई। चलो आप सो जाओ ठीक है, अब कल लास्ट डे है शूट का ठीक है। तो गाइस दो दिन का शूट कंप्लीट हो चुका है, पता ही नहीं चला दो दिन कैसे निकल गए। अब कल लास्ट डे है शूट का, और एक गाना तो कंप्लीट भी हो चुका है, एक गाना ऑलमोस्ट आधा हो गया है, तो हाँ कल आधा कंप्लीट कर लेंगे। तो हाँ मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तुम्हारी टेंशन बड़ी भारी हो गई थी। टेंशन और किस बात की? इतनी ठंड थी वहाँ। अच्छा मम्मी को बस टेंशन हो जा रही थी कि इतनी हवा चल रही है तुम बीमार पड़ जाओगे, मम्मी बस बाय बाय डांटे जा रही थी वहाँ पे। चलो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने रूम में, एडिटिंग स्टार्ट करूंगा और फिर चलेंगे डिनर के लिए। तो अपने रूम में पहुंच गया हूँ, तो यहाँ तो सारा सामान बिखरा पड़ा भाई। ये कपड़े अब तभी ठीक होंगे जब शूट कंप्लीट होगा, होटल से निकलेंगे तब पैक करेंगे कपड़ों का, अदरवाइज ऐसे पड़े रहेंगे। बिकॉज मुझे एडिटिंग करनी, जल्दी एडिटिंग करता हूँ और डिनर के लिए भी जाना है। बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो रहा है आजकल, लेकिन मजा आ रहा है, मेरे को तो इसी तरह की लाइफ पसंद है भाई। गाइस रात के 10 बजने वाले हैं, मैं तो आते एडिटिंग पे बैठ गया था, ध्यान नहीं था कि हमने डिनर ही नहीं करा है। मम्मी पापा को भूख लग रही, मम्मी पापा ने बोला भी नहीं है। तो चलो चलते हैं अब डिनर करने चलते हैं, पहले तो एडिटिंग बाद में ही करूंगा भाई, 10 बजने वाले हैं। बाहर ठंड हो रही होगी ना, जैकेट डाल लिया मैंने, खाने में लेट हो, मैं एडिटिंग पे बैठ गया था, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं, खाना चले, चलो गुड नाइट, मैं एडिटिंग करूंगा। सुबह मिलते हैं, एडिटिंग करके सोऊंगा ना भाई। डोर पे शीशा लगा हुआ है, इतना बड़ा देखना। चलो फाइनली डिनर हो चुका है, अब अपनी एडिटिंग कंटिन्यू रखता हूँ मैं। तभी गाइस रात के 12 बजने वाले, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है फाइनली। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इस व्लॉग में आपने देखा आज सेकंड डे था हमारा शूट का, और आज भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ठंड भी लग गई। तो हाँ कल लास्ट डे है, तो देखते हैं कल क्या होगा। तो हाँ आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस कुनाली तो आते ही सो गया, और जो सोया है ना ये अब उठ ही नहीं रहा है। हम डिनर के लिए जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है। आज पूरा दिन इसने हमारे साथ में काम किया, लिटरली इसकी लाइफ का पहला काम किया इसने, तो अभी उठ ही नहीं रहा, डिनर के लिए भी नहीं जा रहा। तो इसके लिए हम यहीं पे ले आएंगे। जब वहाँ बैठा था ना जिप्सी में, उसमें हवा चल रही थी, तो वैसे कह रहा है बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी। मैंने कहा क्या हुआ? मेरे को ठंड लग गई बहुत।
फिर अब क्या करूँ मेरे को ये, परंतु ये तो करना ही पड़ेगा, परंतु परंतु ये तो मेरे को करना पड़ेगा। Say you love me, 아주 조그만.